Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में. और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्लीवासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली डेली अपडेट्स का. तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर. हाईकोर्ट ने कहा पुलिस चौकी पर हमला अस्वीकार्य और खारिज कर दी जमानत याचिका. पीठ ने कहा कि आरोपित याचिका दोबारा ऐसे अपराध में शामिल होने या जमानत मिलने पर फरार होने की संभावना से इनकार किया जा सकता है. इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर पंकज तेहरान आरोपित के निशाने पर थे और उन्हें इस घटना में चोटें भी आई हैं. पुलिस चौकी पर हमला करने व पुलिस अधिकारियों पर अवैध हथियार से गोली चलाने के आरोपित नावेद की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए खारिज कर दी कि पुलिस चौकी पर हमला अस्वीकार्य है. पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट. मेरे देश की आन बान शान गाड़ियों के पहियों के नीचे विराजमान. जिस पार्टी के प्रवक्ता ने आपके धर्म के लिए जो गलत कहा उसे और उसके नेताओं को बेशक भला बुरा कहो, लेकिन उसकी वजह से हमारे भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगे को ऐसे सरेआम सड़क पर बिछा के गाड़ियों के पहियों के नीचे दबाने या रोंदने से क्या सिद्ध करना चाहते हो. भारत और भारत के राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने वालों की हम पुरजोर निंदा करते हैं. आपका भाजपा पार्टी के प्रवक्ताओं से कुछ लेना देना है मैं उनसे सुलझाओ, लेकिन खबरदार ये तिरंगा हमें उतना ही प्यारा है जितना तुम्हें तुम्हारा झंडा. पत्रकार धर्मेंद्र चौहान की रिपोर्ट. एक तो गलतियों पर से सीना जोरी, खाकी का सरेआम अपमान. दिल्ली में देवली मोड़ पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहाँ बुधवार की सुबह सुबह ट्रैफिक खुलवाने गए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को एक युवती और एक युवक द्वारा पीटने का मामले सामने आया है. आपको बता दें दोनों ने इंस्पेक्टर को गिरेबान से पकड़ लिया और मारपीट की है. घटना सुबह 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है. पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट. कुदरत का करिश्मा, सोल्जर का सटीक निशाना. कल रात एक जटिल और स्विफ्ट बचाव अभियान में इंडियन आर्मी ने भागधारा गुजरात में पानी में डूबे 300 फुट बोरवेल से 18 महीने के बच्चे को निकाला. पत्रकार धर्मेंद्र चाहर की रिपोर्ट. दिल्ली में बिल्डिंग में लगी भीषण आग, शीशा तोड़कर 80 लोगों को बचाया गया. साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बिल्डिंग में बेसमेंट में अचानक आग लग गई. मौके पर पहुंची फरार सर्विस की टीम ने जहां एक तरफ आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग के पीछे जाकर शीशे तोड़कर लगभग 80 लोगों की जान बचाई गई. आग लाजपत नगर के एक्सिस बैंक बिल्डिंग के बेसमेंट के इलेक्ट्रिक पैनल में लगी. दिल्ली में इस तारीख से पहले दिल्ली वालों को नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने दी जानकारी. दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग की माने तो कम से कम अगले एक हफ्ते तक राहत के कोई आसार नहीं है. दरअसल पिछले दिनों में बारिश कम हुई है इसलिए मौसम सूखा यानी शुष्क है. इसी वजह से हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी है. बुधवार को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली और उसकी वजह से तेज हवाएं भी चली. इसके साथ ही एक अनूठा फैक्टर रहा जिसने गर्मी की तीव्रता थोड़ी कम कर दी. दिल्ली एनसीआर में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किया निर्देश. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 जनवरी 2023 से पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में औद्योगिक, घरेलू और अन्य विविध कामों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं. हालांकि थर्मल पावर प्लांट्स में कम सल्फर वाले कोयले का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन्हें प्रतिबंध से छूट दी गई है. जहांगीरपुरी में फिर तनाव, शरारती तत्वों ने मोहल्ले में जमकर मचाया उत्पात, कई वाहनों में की तोड़फाड़. दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है. हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का मामला अभी लोग भूले नहीं है कि मंगलवार रात पत्थरबाजी की जानकारी मिली. बुधवार सुबह इससे संबंधित एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें कॉलोनी के अंदर घुसकर कुछ शरारती तत्व पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं. इस फुटेज के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. दिल्ली जामिया नगर की पार्किंग में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर राख, दमकल में 11 गाड़ियों ने पाया काबू.
दिल्ली के जामिया नगर मेन तिकोना पार्क की पार्किंग में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। जानकारी के अनुसार 10 कारें, एक मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 30 नए रिक्शा और 50 पुराने रिक्शा आग के चपेट में आने के कारण जलकर राख हो गए। घटना के वक्त पार्किंग के मैनेजर मनोज जोशी भी वहीं मौजूद थे। गर्मी नहीं हरियाणा के हट से प्यासी है दिल्ली। राजधानी के अधिकांश इलाकों में पानी के लिए हाहाकार। हरियाणा के साथ यमुना नदी में पानी छोड़ने का ताजा विवाद नहीं सुलझ सका। हरियाणा के हट के कारण दिल्ली में जल संकट गहरा गया। प्रचंड गर्मी में हरियाणा के लोग दिल्ली वालों के हिस्से का पानी भी पी रहे हैं। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।